हेलो। राम राम, जय हिंद, सत श्री अकाल। ये जो आज का टॉपिक है पीएमआर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के बारे में, पीएमआर की सपोर्ट में अभी रिटायर्ड ऑफिसर बी जंतर मंतर से गवर्नमेंट और सेना के तीनों चीफ्स को रिक्वेस्ट अपनी अपील भेज रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो रिटायर्ड अफसर हैं कर्नल साहब और साथ वाले सारे, वो जंतर मंतर भी आपके खुद मान रहे हैं इस बात को कि ये जो नोटिफिकेशन था 7 नवंबर 2015 को, जिसमें ये सरकार ने ये लिख दिया था कि प्रीमेचर को नहीं दिया जाएगा, मतलब वीआरएस को एक लफ्ज निकाला था ना वीआरएस करके, तो उसको वापस ले, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जवान जेएचओ एनसीओ क्या है, ये अपनी पहली उम्र में जो होती है इनकी 35-40 तक ये रिटायर होते हैं, और इनको ये जब हम सरकार ने इनको पहले ही से ये विश्वास दिलाया होता है, बॉन्ड भरा होता है ना कि जब आप जाओगे प्रीमेचर अगर जाते हो तो आपको सारे हक दिए जाएंगे, तो इन्होंने इनको बॉन्ड दिया जाता है, गवर्नमेंट ने एक कन्फर्मेशन दिया होता है कि आप जब जाना है तो आप एप्लीकेशन रखोगे सीओ साहब के आगे और अगर कंसीडर कर देते हैं तो इसका मतलब आपको सारे हक मिल गए हैं। जब साहब ने आपका एप्लीकेशन मान लिया है तो फिर वो सारे हक आपको मिले हैं, तब आप आए हो रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये जो एक इन्होंने ये नवंबर में 7 नवंबर को कानून बना दिया मोदी सरकार ने, बल्कि बना के दिया इसको एक और नोटिफिकेशन जनवरी में निकाल दिया कि इसको 14 से कर दिया, भी 14 के बाद जो आए हैं वो भी उनको भी नहीं मिलेगा। बताओ, पहले ये 7 नवंबर से के बाद वालों को नहीं मिलेगा, अभी एक इसको जनवरी में निकाला 2023 को एक नोटिफिकेशन, उस या इसको बदल दिया, उसको बदल दिया कि 14 से कर दिया, अभी और बताओ। तो ये जो चीज है, ये है जो प्रीमेचर वाला, ये तो किसी के साथ भी है। देखो, इसमें कुछ अफसर भी आए हुए हैं मान लो, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चीज एक अचानक कर दी, बस अगर पैसा नहीं है तो देखो बेइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट ने पैसा नहीं देना चाहिए तो इन नियमों को क्यों खराब कर दिया है उनके लिए, कल को और फैसिलिटी बंद कर देगी सरकार अगर नहीं अभी इसके ऊपर प्रदर्शन किए जाएंगे, तो फिर सरकार कालीन की फैसिलिटी और बंद करनी शुरू कर देगी, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है अभी जो जंतर मंतर पे अधिकारी गण भी आ रहे हैं, और आना भी चाहिए था उनको, क्योंकि ये जो शेयर बेइंसाफी हो रही थी, 40-50% जो अपने जवान एनसीओ जेसीओ रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, वो हो जाते थे पहले, और इतनी ज़्यादा आबादी प्रीमेचर आ जाती है, और या फिर जो भी या ये देखो ना भी ये जो ये तो फिर गलत हो गया ना काम, को अभी किसी को भर्ती कर लिया तो उसको छोड़ा ही नहीं जाएगा, है ना, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। किसी को घर की 100 प्रॉब्लम होती हैं, किसी को बीमारी की है कि अपने घर में किसी को इलाज कराना होता है, पर अपने माँ बाप का, किसी को और खेती की प्रॉब्लम है, किसी को किस टाइप की प्रॉब्लम है, तो ये तो ब्रिटिश टाइम से था ये कानून, ये तो इन्होंने अभी देखो जो आया जिधर को देखा उधर को बदल दिया इन्होंने, है ना, इसका कोई सिद्धांत भी नहीं है। तो ये उनको वन रैंक वन पेंशन से क्या फायदा प्रीमेचर वाले को, तो बेचारे को उसको तो उल्टा ये दुश्मन बन गई वन रैंक वन पेंशन जो उसके लिए, तो है कि नहीं बात। तो उनको जो हाकी नहीं जानों को मिला तो कितना जो पोर्शन है सेना का वो प्रीमेचर में रहता है ना। तो ये जो चीज़ है, तो ये जो चीज़ अभी सारे जो सबको समझ आने लगी है कि ये गलत हुआ है, और ये सरकार अभी जो प्रदर्शन चल रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मैं खुद प्रदर्शन में गया था 20 अपना ये अक्टूबर जो 20 तारीख को हुआ था 20 फरवरी को, और मैं खुद ये चीज़ को मुझे आप ठीक नहीं लगती जिसके साथ भी हो रहा है ये। देखो, उनको बेचारों को ज़्यादा बताया जाता पहले, तो अब तो बात ही ना, फिर तो अभी जब वो बेचारे आ गए इधर, कोई भी हो जाए मेरे जैसे, मेरे को भी फीलिंग होती जब वो आ गए फिर उनके ऊपर कानून बना दिए, है ना, या पहले बताना चाहिए था 1 साल पहले, तो फिर वो अपना सोच के आते,
अभी तो ये तो एक वो कर दिया ना इन्होंने, धोखे वाली बात हो गई है कि जो मर्जी काट दो, कल कोई ECHS के में से काट देंगे है ना, और फैसिलिटी कोई CID की भी बोल देंगे काट देंगे इनकी, प्रीमेचर आए हैं है ना, ऐसा थोड़ी होगा। तो इसके लिए सबको हम भी पोस्टर के पोस्टर डाल रहे हैं कि ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैले प्रीमेचर का, और ये मुद्दा हल होने की पूरी उम्मीद है इस इलेक्शन में, वो होगा हल। वोट की पावर मैंने पहले नहीं बोला, बहुत पावर है। तो हम सब जब इकट्ठे रहेंगे जवान JCO, और जैसे अभी तो अफसर भी इस चीज़ को दे रहे हैं सपोर्ट, तो फिर ये कोई मुद्दा नहीं है। अभी एक कर्नल साहब ने अभी वहाँ से स्पेशल अपील की है, और वो पहले से भी इस चीज़ को वर्कशॉप कर रही, वर्कशॉप थे कर्नल साहब, और भी अभी देखा देखी आएंगे, सारे साहब आएंगे, उनको पता है ये गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है ना। गवर्नमेंट अपना पैसा टका दे के कर रही है, वो तो गवर्नमेंट तो राशन उनको देगी ना पैसा, जो जहाँ राशन वालों फ्री राशन दे रहे हैं वहाँ वोट मिलेगी, है कि नहीं बात। तो ये चीज़ें किसी के फौज के नियमों को जब मर्जी बदल दो उठ के, ये ऐसा थोड़ी होगा। फौज तो अमर है, कब से चल रही है फौज, है कि नहीं, है ना। तो ये अभी इसकी पूरी जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, ये सारा काम ये सेट होगा। प्रीमेचर वाला, प्रीमेचर वाला सबको दुख रहा है, प्रीमेचर वाला ये अगर इससे तो यही हो जाता है ना, आज तो प्रीमेचर को कर दिया, कल किसी उनकी और फैसिलिटी काट देंगे कोई, है ना। तो ऐसे एक शुरुआत हो जाती है, वो गलत है। तो इसके लिए हमें भी बड़ा अच्छा लगा कि अभी जंतर मंतर पे आके अफसर बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसको वापस लिया जाए, है ना। तो आज का सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा, मैंने भी उस बात को, उसी बात को और हम चाहते हैं फैलाएं, तो अपने मीडिया से, अपने चैनल से, ताकि ये पता चले कि अधिकारीगण साहब भी, जो अधिकारी साहब भी अभी हमारे अफसर साहबान भी इस चीज़ को ठीक कर रहे हैं कि ये गलत है। जय हिंद।